हेलो स्टूडेंट्स आइए वर्कशीट फिफ्टी सिक्स करते हैं विच इज अबाउट सर्कल्स सो वॉट इज अ सर्कल इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इन अ प्लेन तो ये देखिए कैसे होता है इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज़ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल And, uh, this fixed distance is called the radius of the circle and एंड this collection is called the circle ab is circle में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं ab देखिए कोई भी दो points सर्कल पे ले लीजिए उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे कॉर्ड कहते हैं और वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करती है उसे कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल सो दिस कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल सो दिस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड इनफैक्ट इट इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल जो सबसे बड़ी कॉर्ड है वो डायमीटर होती है और इसके बाद देखते हैं कि आग क्या चीज है अब आग क्या है आग सर्कल का एक पोर्शन ले लीजिए सर्कल का एक पीस ले लीजिए तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि जो माइनर आर्क है वो है पी एक्स क्यू और जो बचते बचा हुआ पोर्शन है विच इज मेजर आर्क क्योंकि वो बड़ा पोर्शन है, major arc है this is P, y, Q. तो इसलिए मेजर आर्क है दिस इज पी वाई क्यू तो माइनर आर्क है यहां पर पी एक्स क्यू और मेजर आर्क है पी वाई क्यू सो दिस इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल नाउ सेगमेंट क्या होता है सेगमेंट होता है वो रीजन जो एक कॉड uh, और आर्क के बीच का जो रीजन है उसे सेगमेंट कहते हैं तो इस तरीके से दो सेगमेंट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक छोटा सेगमेंट है विच इज माइनर सेगमेंट और जो बचा हुआ पार्ट है वो मेजर सेगमेंट हो जाता है और इसी तरीके से सेक्टर होता है एक आर्क और दो रेडियाई से जो बना हुआ रीजन है उसे हम सेक्टर कहते हैं तो ये भी दो आर्क और मेजर आर्क से बन रहा है दो रेडिया और मेजर आर्क से बन रहा है तो ये मेजर सेक्टर और ये जो छोटा पोर्शन है ये माइनर सेक्टर होता है